श्रीलंकन क्रिकेट टीम या यू कहें श्रीलंकन टीम मैनेजमेंट ने एक ऐसी चाल चली जिसका तोड़ आईसीसी के पास भी नहीं है आईसीसी के नियमों का लुपहोल ढूंढकर उसका सही तरह से इस्तेमाल किया है श्रीलंकाई टीम मैनेजमेंट ने दरअसल श्रीलंका टीम के इस चाल से ना उन्होंने सिर्फ अपने इस धाकड़ ऑलराउंडर को बचा लिया बल्कि जो टी विश्व कप के लिए बाहर हो सकता था वहां भी उसकी जगह पुख्ता करा ली है हम बात कर रहे हैं श्रीलंकाई टीम के ऑलराउंडर वनिंदु हसरंगा की हसरंगा पर एक्चुअली बैन लगने वाला था और वो टी विश्व कप के शुरुआती मैचेस भी मिस कर सकते थे और इसको देखते हुए श्रीलंकाई टीम मैनेजमेंट और कप्तान ने जो चाल चली वो आईसीसी के नियमों पर ही भारी पड़ गई है दरअसल श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश के बीच खेले गए वनडे मुकाबले में वनिंदु हसरंगा ने अंपायर को कुछ बोल दिया था जो कि आईसीसी के नियमों के हिसाब से गलत था उन पर आरोप था कि उन्होंने ओवर खत्म करने के बाद अंपायर से अपनी कैब छीनी और उन्हें अभद्र शब्द कहे जिसके तहत उनको तीन डिमेरिट पॉइंट दिए जाने थे जब ये बात पता चली श्रीलंकाई टीम मैनेजमेंट और कप्तान को तो उन्हें पता था कि तीन डिमेरिट पॉइंट तो बिल्कुल ही मिलेंगे और हो सकता है कि इन पर बैन भी लगा दिया जाए क्योंकि इससे पहले जब अफगानिस्तान के खिलाफ टी ट्वेंटी श्रृंखला हुई थी वहाँ पर भी हसरंगा पर पांच डिमेरिट पॉइंट्स लगे थे यानी कि कुल मिलाकर आठ डिमेरिट पॉइंट होते हैं जिसको मिलाकर चार सस्पेंशन पॉइंट यानी कि चार व्हाइट बॉल मैच छोड़ने होंगे आपको या फिर दो रेड बॉल मैच में आपको सस्पेंड किया जाएगा यह नियम कहता है अगर आपके खाते में चार सस्पेंशन पॉइंट जुड़ जाए वरिंदू हसरंगा के खाते में चार सस्पेंशन पॉइंट जुड़ गए आईसीसी ने इस बात का खुलासा भी किया और उन्हें मैच प्रतिशत का जो 50 परसेंट है उसका जुर्माना भी भरना पड़ा साथ ही साथ दो टेस्ट मैच या फिर चार व्हाइट बॉल मैचों का बैन लगा यहां पर श्रीलंका की टीम में क्या चाल चली उन्होंने यह किया कि वनिंदु हसरंगा जिन्होंने टेस्ट से रिटायरमेंट ले लिया था तो उनके रिटायरमेंट को उन्होंने वापसी करा दी उन्होंने कहा कि अब वनिंदु हसरंगा टेस्ट से अपनी रिटायरमेंट वापस ले रहे हैं और श्रीलंका के लिए खेलते हुए नजर आएंगे अब इस हिसाब से उनका स्क्वाड जब अनाउंस किया गया श्रीलंकाई टीम का बांग्लादेश के खिलाफ तो उसमें वनिंदु हसरंगा का नाम था अब नियम के हिसाब से वनिंदु हसरंगा का स्क्वाड में नाम है और वो दो टेस्ट मैच के लिए सस्पेंड कर दिए गए अब वो दो टेस्ट मैच के लिए सस्पेंड हुए लेकिन वो आने वाले टी, -टी विश्व कप से पहला मुकाबला खेल सकते हैं इस तरह श्रीलंकाई टीम ने वनिंदु हसरंगा को बचा लिया साथ ही विश्व कप के सभी मैचों के लिए उपलब्ध करा लिया और वनिंदु हसरंगा टीम स्क्वाड में जरूर शामिल हो चुके हैं लेकिन वो आईपीएल के लिए उपलब्ध रहेंगे सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए नजर आएंगे तो इस तरह से आईसीसी के नियमों के ही लूप होल्स को ढूंढकर किस तरह श्रीलंकाई बोर्ड और टीम ने फ़ायदा उठाया ये अपने आप में काबिल तारीफ है और हम हमेशा कहते हैं कि आईसीसी को अपने नियमों में कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है लेकिन ऐसे ही हर कोई फ़ायदा उठाता रहेगा क्या है आपकी राय इस खबर को लेकर हमें कॉमेंट करके बताइए तब तक के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी